आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से रियर शॉक एब्जॉर्बर्स को आप चेक कर सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, इनको एडजस्ट किस तरीके से करा जाता है अपने वेट के हिसाब से, और अगर ये ख़राब हो गए हैं तो किस तरीके से इन्हें रिप्लेस करेंगे, और साथ में रिपेयरिंग के ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। लास्टली पुराने शॉक एब्जॉर्बर्स को खोल के भी देखेंगे कि अंदर से किस तरीके से बने होते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं वीडियो में। पिछले करीब 7-8 महीने से जो ये रियर लेफ्ट शॉक एब्जॉर्बर है, इस पर मैंने ये ऑयल डिपॉजिट्स देखे हैं और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इस पर चिपकी रहती है। और वहीं अगर मैं दूसरे साइड का जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको चेक करता हूँ तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी मैंने नोटिस नहीं करा। कई व्यूअर्स सोच सकते हैं कि चेन में जब हम ऑयलिंग करते हैं तो उसका ऑयल यहाँ पर अगर छिटक के आ जाता है राइडिंग के दौरान, क्या पता वो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने जानबूझ के चेन में काफ़ी समय तक ल्यूब्रिकेशन नहीं करा था, बल्कि जो ल्यूब्रिकेंट्स लगे हुए थे चेन पे उसको भी टॉवल के मदद से अच्छे से साफ कर दिया था ताकि ऐसे चांसेस ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो शॉक एब्जॉर्बर है उस पे वापस ऑयल निकल आता है और वो मिट्टी चिपकाने लगता है। तो ये क्लियरली ऑयल अंदर से ही लीक कर रहा है, कहीं भी बाहर की तरफ से नहीं लग रहा है इस पे। और वैसे भी अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ तो शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में अब ये शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छा काम नहीं कर रहे, रियर साइड में काफ़ी ज़्यादा झटके लगते हैं इनके कारण, और बल्कि ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे तो बैक केक भी करने लग गए हैं। जबकि इनिशियली मुझे कभी भी इस मोटरसाइकिल पे ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई जब ये नए थे। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको अपनी मोटरसाइकिल पे दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो रियर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनको बदलने का वक्त आ गया है। इस बाइक के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स काफ़ी मुश्किल से मैं अवेलेबल करवा पाया, काफ़ी समय वेट करने के बाद भी किसी भी बजाज के सर्विस सेंटर ने मेरे लिए नहीं मंगवाए। हो सकता है वो शायद इन्हें मंगवाना ना चाह रहे हो। फिर फाइनली मैंने थक हार के ऑनलाइन 99 RPM वेबसाइट से इनको ऑर्डर करा, लेकिन इस वेबसाइट ने भी 3 महीने के करीब लगा दिए इनको डिलीवर करने में। बजाज की जो जेन्युइन पैकिंग होती है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं वो तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि 99 RPM वालों ने शिपिंग कॉस्ट घटाने के लिए एक बबल रैप में इन शॉक एब्जॉर्बर्स को लपेट के एक अपने ही कार्टन में डाल के डिलीवर करा था। लेकिन कोई बात नहीं, शॉक एब्जॉर्बर्स ठीक कंडीशन में मेरे घर तक आ गए, और सबसे बड़ी बात ये जेन्युइन है। जो जेन्युइन शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है बजाय उसके जो आफ्टर मार्केट आपको दुकानों में मिल जाएंगे काफ़ी सस्ते रेट्स में। जब भी रियर शॉक एब्जॉर्बर्स को बदले तो इनके लेंथ मिला के देख लें, इनके साथ की मोटरसाइकिल में जो शॉक्स लगे हुए हैं उनकी लेंथ में फ़र्क हो उन शॉक्स के कंपैरिजन में जो कि आपने अभी खरीदे हैं। जब आपको ये तसल्ली हो जाए उसी के बाद शॉक एब्जॉर्बर्स के जो बोल्ट्स हैं उनको खोलें। रियर शॉक एब्जॉर्बर को खोलने के लिए 12 mm की गोटी की जरूरत पड़ेगी नीचे का बोल्ट खोलने के लिए पल्सर 135 मोटरसाइकिल में। आपकी मोटरसाइकिल में अलग साइज़ का बोल्ट हो सकता है तो अपने हिसाब से चेक करके यूज़ कर लें कोई भी सॉकेट सेट। इस काम को करने के लिए आपकी बाइक में सेंटर स्टैंड होना ज़रूरी है। वैसे तो अगर आपकी बाइक में साइड स्टैंड है और सेंटर स्टैंड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि आपकी बाइक में एक मोनो शॉक लगा हुआ होगा और उसको आप खुद नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए और एडिशनल टूल्स की जरूरत पड़ेगी बाइक को लिफ्ट करने के लिए। इसलिए हम उस टाइप की बाइक्स को इसमें कवर नहीं करेंगे। शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर के नट का साइज 17 mm है इस मोटरसाइकिल में, तो 17 mm की गोटी का इस्तेमाल करके इसे खोल लेंगे। आपकी बाइक में जो भी हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जिस भी अरेंजमेंट में जितनी भी वॉशर्स लगी हुई हो इस नट के नीचे उनका ध्यान रखें ताकि वापस लगाने में आपको दिक्कत ना आए। आप चाहे तो फुटरेस्ट का बोल्ट भी खोल सकते हैं नीचे की साइड से, लेकिन मैं ऐसे ही इसको नीचे करके काम चला लूँगा, क्योंकि बिना खोले भी आप इजीली शॉक एब्जॉर्बर्स बदल सकते हैं। ये निकल गया पुराना शॉक एब्जॉर्बर, इसी तरीके से नया वापस लगा लेंगे। एक बार में एक ही खोल के लगाएं, इससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। अगर आपने दोनों शॉक एब्जॉर्बर्स एक साथ खोल दिए तो स्विंग आर्म पूरी नीचे लटक जाएगी और थोड़ा सा आपको फिर एफर्ट करना पड़ेगा उसको वापस अपनी जगह पर ले जाने के लिए। टॉप साइड का जो बोल्ट है जिसपे शॉक एब्जॉर्बर को हमने माउंट करा है उस पर जो वॉशर्स लगी हुई हैं उसका खास ख्याल रखना है आपको। अगर आपने गौर करा हो तो शॉकर से पहले कुछ वॉशर्स लगी हुई थी, मैंने उनको ऐसे ही लगे रहने दिया, छेड़ा नहीं, और फिर शॉकर लगाने के बाद एक वॉशर लगाई, फिर उसके बाद ये फुटरेस्ट लगाया, फिर उसके बाद दो वॉशर्स लगा के फिर फाइनली इसका जो डोम नट है उसको वापस कस दिया। कसने से पहले मैंने एक थ्रेड लॉकर यूज़ कराया इसमें, लॉकटाइट का ब्लू वाला, ताकि ये नट्स किसी भी तरीके से लूज़ ना हो राइडिंग के दौरान। खैर ये वाली ट्यूब ख़त्म हो गई थी इसलिए ऑफ द कैमरा दूसरी ट्यूब से मैंने नट के अंदर थोड़ा सा थ्रेड लॉक लगा लिया था। कंपनी भी शॉक्स को इंस्टॉल करते वक्त इसको लगा के देती है। वॉशर्स का अरेंजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो शॉक एब्जॉर्बर्स है बिल्कुल स्ट्रेट दबे और स्ट्रेट ऊपर आए, और अगर ये शॉकर हल्का सा भी एक एंगल पे दबता है तो इसकी जो बुशिंग्स होती हैं वो कटने का रिस्क रहता है। इसलिए कई बार जब मैकेनिक शॉक एब्जॉर्बर्स चेंज करते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, फिर बाद में आप देखेंगे जो शॉकर्स की बुशिंग्स होती हैं वो कट जाती है। नॉर्मली जो इसकी रबर की बुशिंग्स होती हैं उनकी काफ़ी लाइफ होती है, और कम से कम जो नाइट्रॉक्स वाले शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इनमें तो इनकी पूरी लाइफ तक ही चल जाती है। इतने में शॉकर्स ही बदलने का वक्त आ जाता है जब तक वो कटने को आती है। जिन शॉक एब्जॉर्बर्स में नाइट्रॉक्स नहीं होता यानी कि नाइट्रोजन से प्रेशराइज नहीं होते,
उनकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उनमें बुशिंग्स बदल के काम चलता रहता है। एक बोल्ट को फुल टाइट करके फिर दूसरा ना लगाएं, पहले दोनों बोल्ट्स को बैठा लें फिर बराबर कसें। अगर टॉर्क लिमिट्स की बात करें तो बाइक के सर्विस मैनुअल में जाके आपको स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी। दोनों ही बोल्ट्स पे थ्रेड लॉक लगाना बहुत अच्छा रहता है, मैंने ब्लू कलर का लगाया है। कंपनी रेड कलर का लॉकटाइट इस्तेमाल करती है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस एप्लीकेशन में मेरा ये मानना है ये टोटली अननेसेसरी है। सेम तरीके से इस साइड के जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको भी निकाल के मैं नया वाला लगा लूँगा, क्योंकि मेरे रियर शॉक एब्जॉर्बर्स में एक ही साइड का शॉक लीक करा था, तो दूसरा जो शॉक है जिसमें सॉइल की लीकेज नहीं हो रही थी उसको मैं आगे के लिए रख लूँगा। इन केस इन दोनों में से दोबारा कोई शॉक एब्जॉर्बर लीक कर जाता है कुछ साल बाद, तो मैं पुराने वाले को ही वापस लगा के रीयूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 5 साल जो ओरिजिनल शॉक एब्जॉर्बर्स थे वो चले थे और 5 साल ही मुझे उम्मीद है ये वाले शॉक एब्जॉर्बर्स चलेंगे। तो तब जब अगर मैं पुराना भी लगा दूंगा तो आपस में कंपैटिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं आएगा और जो स्विंग आर्म है वो ट्विस्ट होने का भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शॉक एब्जॉर्बर्स बदले पीछे के दोनों को जोड़े में ही बदलें, ताकि कोई स्प्रिंग टेंशन का या रिबाउंड डैम्पनिंग का फ़र्क हो दोनों शॉक्स में, तो उसके कारण जो स्विंग आर्म है वो ट्विस्ट ना हो आपकी। इससे बाइक की बैलेंसिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है राइडिंग के दौरान, या आप स्पेशली हार्ड ब्रेकिंग जब करते हैं। ये स्पेशल टूल मैंने मंगा लिया था अमेजोन पे, तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन इंडस्ट्री बाइंग एक वेबसाइट है उस पे मुझे मिल गया था। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसके मदद से आप शॉक एब्जॉर्बर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बीच की सेटिंग पे रखना इनको पसंद करता हूँ। टोटल इसकी 5 सेटिंग्स मिलती है। बीच में आपको मीडियम फर्मनेस देता है और मेरा 60 किलोग्राम्स का वेट है, उसके हिसाब से परफेक्ट है। बाकी आप अपने वेट के हिसाब से, अपनी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शॉकर्स को भी काटना काफ़ी रिस्की काम होता है, क्योंकि इसका जो स्प्रिंग होता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दबा हुआ रहता है, तो इसीलिए मैं ग्राइंडर की मदद से इसको पूरा नहीं काटूंगा, थोड़ा सा काट के फिर हथौड़े की मदद से इसको तोड़ लेंगे। अगर ग्राइंडर की मदद से ही मैंने इस शॉक एब्जॉर्बर को पूरा काटने की कोशिश करी तो इसकी जो डिस्क है स्प्रिंग के अंदर फंस जाएगी और पक्का शैटर कर जाएगी, वो बहुत ही ख़तरनाक रहता है। अब इसका लॉक नट ढीला करके डैम्पर रॉड को निकाल लेंगे। चलो खुशकिस्मती से कंपनी ने इस पर रेड लॉक टाइट तो नहीं लगा रखा था, नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाता है इसको ऐसे खोलना, और फिर हीट गन का इस्तेमाल करना पड़ता मुझे। इसके थ्रेड्स में पानी लगने के कारण जंग आया हुआ था। खैर 5 साल तो काफ़ी लंबा टाइम है किसी भी शॉक एब्जॉर्बर के लिए, तो ये नॉर्मल मानता हूँ मैं। और इस तरीके से ठोक के इसके डैम्पर रॉड को भी निकाल लेंगे। इसके नट्स तो ऑलरेडी लूज़ कर लिए थे मैंने। काफ़ी मेहनत करने के बाद एक एक कंपोनेंट मैंने इसका पूरा सेपरेट कर लिया है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से एक शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। एक एक कंपोनेंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फिलिंग की कैप होती है नीचे की साइड, आपने देखी होगी शॉक एब्जॉर्बर्स के, ये छोटी सी सर्कलिप है और ये इसको रोके रखती है। ये ब्लैडर है इसका जिसके अंदर नाइट्रोजन भरी रहती है, और ये इसका भी पार्ट है, ये पूरा एक तरह से चेंबर बना रहता है। यहाँ अलग ही होती है इस तरीके से नाइट्रोजन फिल करने के लिए शॉकर में यहाँ होल दिया रहता है। इसके अंदर एक छोटा सा कोई रबर का पार्ट लगा हुआ है, 1-way valve का काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेल्व सिस्टम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं कि मैं निकाल पाऊँ इसको। ये छोटा सा रबर का प्लग लगा हुआ होता है इस खड्डे के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को होल्ड करता है, 100 PSI के आसपास का प्रेशर होता है इन शॉक एब्जॉर्बर्स में। और ये जो ब्लैडर है इसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड रहती है, ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है इस पर, और ये यहाँ पर ओरिंग का भी काम करता है। ये इसका चेंबर है अंदर की तरफ से, इसमें पूरे में ऑयल फिल्ड रहता है और ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ होता है। इसका बस यही काम होता है, जो ऑयल होता है एक शॉक एब्जॉर्बर के अंदर उसको अंडर प्रेशर रखे ताकि उसमें फोमिंग ना हो। शॉक एब्जॉर्बर्स के ऑयल के अंदर जब भी फोमिंग होने लगती है तो उससे परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ये सही से काम नहीं करते क्योंकि झटकों को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये ऊपर की बुशिंग्स हैं, ये एडजस्टर होता है इसका, ये तो खैर मैंने खोला जिस तरीके से, इसलिए ये इसमें चूड़ी बनी हुई होती है, घुमा के कसा हुआ होता है, और ये देख सकते हैं खड्डा बना हुआ है ऑयल निकलने के लिए अंदर बाहर, ऐसे ऑयल सर्कुलेट होता रहता है टेम्परेचर के हिसाब से। ये आउटर पिस्टन है तो इन्होंने डबल तरह से ये लेयर बना रखी है, ये आपने देखा होगा जो ऑयल सील बदलने के लिए शॉकर वाले लोग होते हैं यहाँ से ग्राइंड करके नई ऑयल सील्स लगा देते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होता, शॉक एब्जॉर्बर्स रिपेयर नहीं होते हैं सक्सेसफुली। ये इसकी डैम्पर रॉड है, इसको ऑलरेडी ढीला कर लिया है मैंने, और ये रीबाउंड स्प्रिंग है जैसे कि जो फ्रंट फॉर्क्स होते हैं उनके अंदर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से। इसका काम यह होता है कि जैसे पूरा एक्सटेंड होता है जब शॉक, तो एकदम से झटका कटक करके ना लगे, स्लोली उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ऑलरेडी मैंने इसको लूज कर लिया था।
इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे स्प्रिंग ही है। और ये जो है ये असली इसके पार्ट्स हैं सबसे मेन। इसमें एक छोटी सी वॉशर लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करती है इसकी शिम्स पे। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शिम्स हैं या वॉशर्स कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, ये ऑयल कंट्रोल करने का काम करती है। और यही सबसे मेन चीज़ होती है जो कि ऑयल को कंट्रोल करती है। छः इसमें छेद बने हुए, डिपेंड करता है आपके शॉक के डिज़ाइन पे, किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं। और इनका जो बोर का साइज़ होता है ये भी ट्यून्ड होता है, काफ़ी कंपनी मेहनत से ये सब बारीकियाँ सेट करती है। ये एक शीट है, इसके अंदर चार छेद बने हुए और ये बाकी और कुछ शीट्स हैं। तो इनका काम यही होता है कि ऑयल को ये एकदम से ना फ्लो होने दे, इसका हिसाब होता है। और ये छोटा सा स्प्रिंग भी बहुत ही परफेक्ट प्रेशर डालता है ताकि राइड क्वालिटी अच्छी मिले। हो सकता है देखने में ज़्यादा कुछ आपको ना लगे तो बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कंपनी ट्यूनिंग करती है। अलग अलग सवारी के हिसाब से अलग अलग शॉक एब्जॉर्बर्स का डिज़ाइन होता है और राइड क्वालिटी भी, इसलिए आपने देखा होगा अलग अलग सवारियों में अलग अलग होती है। जो ज़्यादा सीसी की बाइक्स होती हैं उनके शॉक्स का सेटअप अलग होता है, और जो बिल्कुल बेसिक बाइक्स होती हैं 100 सीसी की, उनके शॉक एब्जॉर्बर्स जान के सॉफ्ट रखे जाते हैं ताकि झटके को एब्जॉर्ब कर पाएँ, और वह इतनी हाई स्पीड रनिंग के लिए नहीं बने होते। ये जो वेल्व है यही डिसाइड करता है कि कोई शॉक एब्जॉर्बर कितने झटके से कितने जल्दी अंदर कंप्रेस होता है और कितनी देर में रिबाउंड होता है, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इस शॉक में। ये पतला वाला स्प्रिंग है, और पतले वाले स्प्रिंग में क्या होता है ना कि साइड में टच होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये प्लास्टिक का इन्होंने स्पेसर दिया हुआ होता है ताकि इसकी वॉल को डैमेज ना करे। और ये सबसे बड़ा वाला स्प्रिंग है, इसको काट के खोला था मैंने। अगर मैंने इसको एक ही बार में एंगल ग्राइंड से काट लिया होता तो डिस्क इसमें जाम हो जाती और वो गारंटी टूट जाती, इसलिए मैंने इसे दो बार में तोड़ा था, एक बार थोड़ा सा काट के ठोका था। आप डिसअसेंबल मत करना शॉक को, बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का भी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। कई बार लोग जो लापरवाही से इसको खोलते हैं, यूट्यूब आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, ये ब्लड रह से पूरा निकल के बहुत बुरे तरह हाई स्पीड से निकलता है और वो उंगली तक फ्रैक्चर कर सकता है। शॉक्स की हाइट कम ज़्यादा करने के लिए भी लोग ये इस तरह के स्पेसर्स आते हैं, कस्टम स्पेसर्स लगा के इसकी जो राइड की हाइट होती है कम ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों की हाइट कम होती है तो वो इसको छोटा करके लगाते हैं, और कई सारे लोग बाइक की हाइट बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा लुक्स के लिए तो वो ये लंबे वाले लगा लेते हैं। कस्टम आते हैं वैसे, मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इस पर कसा हुआ था, काफ़ी टाइट था ये भी। खैर, सारे जो नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन में फ़र्क होता है वो ये होता है कि जो पिस्टन का डायमीटर है चौड़ाई में बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या फिर ये जो वेल्व बना हुआ होता है तो इसका साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, इसके जो छेद हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, या इनका बोर का साइज़ चेंज हो सकता है। अलग अलग तरीके की आपको इसमें वॉशर्स देखने को मिल जाएगी, ये तो फिर भी काफ़ी कम है, इससे भी ज़्यादा देखी हुई है मैंने कई शॉक एब्जॉर्बर्स में। ये डैम्पर रॉड का पिस्टन का रिंग है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। जो हमारे इंजन्स होते हैं उसके जो पिस्टन रिंग्स होते हैं उसी के तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें प्रेशर कम होता है एक इंजन के कंपैरिजन में, तो इसमें प्लास्टिक के जो रिंग्स होते हैं वो भी सही काम कर जाते हैं। अगर नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स और जो नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं उनके बीच के ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो जो नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिलते हैं उनमें आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिलती है, क्योंकि जो ऑयल होता है उसमें अंडर प्रेशर नहीं रहता है इतना जितना कि नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स में रहता है। इस कारण से उनमें लीकेज होने की संभावना कम हो जाती है, और अक्सर आप देखेंगे बाइक्स में काफ़ी पुराने होने के बावजूद भी वो लीक नहीं करते, क्योंकि ऑयल का जो प्रेशर होता है 100 PSI पे नहीं रहता जैसे कि नाइट्रॉक्स वाले शॉक एब्जॉर्बर्स में रहता है। इस कारण से जो नाइट्रॉक्स वाले शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जल्दी लीक करते हैं। मेरी पल्सर में 4 साल के बाद से ही ये लीकेज शुरू हो गई थी हल्की हल्की। वैसे तो इसमें काफ़ी ऑयल बचा हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी जो डैम्परिंग थी वीक हो चुकी थी और राइड के दौरान मुझे पता चलती थी। भले ही इनकी लाइफ कम हो लेकिन इनका परफॉर्मेंस का जवाब नहीं है। आप सिंपल जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के दौरान नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स में जो ऑयल होता है वो फोमिंग के कारण डैम्परिंग उतनी अच्छी नहीं दे पाता जितनी कि इन शॉक एब्जॉर्बर्स में आपको मिलती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।